अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है इसे क्लिक करना ना भूलिएगा, नहीं तो लेटेस्ट रेसिपीज के अपडेट्स नहीं मिलेंगे आपको। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं जुलेखा अरफात जुलेखाज किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा ही बेहतरीन डेजर्ट जिसका नाम है ब्राउनीज। वैसे ये मैं विदाउट अवन बना रही हूँ, लेकिन विद अवन का भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। ये मैंने लिया है 200 ग्राम चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है ये, और ये कंपाउंड चॉकलेट है। वैसे आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं इसके बजाय। अब ये है 170 ग्राम मस्का। अगर आपको चाहिए तो आप नॉन सॉल्टेड भी ले सकते हो, लेकिन जब आप नॉन सॉल्टेड लेते हो तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, 1/4 टीस्पून या फिर पिंच भी चलेगा। अच्छा, अब मैं आती हूँ शक्कर के ऊपर। ये शुगर मैंने कन्फेक्शनरी ली है, पाउडर्ड शुगर है ये। मैंने 170 ग्राम टू 180 ग्राम लिया। अगर आपको लगे तो आप और ज्यादा ले सकते हो। सबसे पहले हम टिन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये 7x7 भी ले सकते हो, स्क्वायर 8x8 भी ले सकते हो, राउंड भी ले सकते हो, जो आपकी पतीली में समा जाए वो लीजिए। और सबसे पहले नीचे और साइड्स को टिन के ग्रीस कर लीजिए मस्के से, या फिर वेजिटेबल ऑयल लगा लीजिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद बटर पेपर लगाइए, और उसके बाद बटर पेपर लगाने के बाद वापस से इसे बटर से मस्के से ग्रीस कीजिए, या फिर वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, आप ये जो मस्का लगाने के मस्का या वेजिटेबल ऑयल लगाने के बाद हमारा जो ऑल पर्पज़ फ्लार है, जो मैदा है, उसे लगाइए, ऑल ओवर डस्ट कीजिए, साइड्स वाइड्स पर डस्ट कीजिए, लगाइए, छिड़किए, और उसे इस तरीके से टैप करते करते जो एक्सेसिव बचे आटा उसे फेंक दीजिए। तो ये प्रिपेयर हो गया हमारा टिन। एक पतीली में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसे उबाल आने तक उसे बॉयल कीजिए। बॉयल आ गया तो देखिए, ये मैंने चॉकलेट रख दिया एक बाउल के अंदर डाल के। ये अब जैसे जैसे ये थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए इसे, और इसके साथ बाई साथ आप वो भी डाल दीजिए मस्के का पूरा, ये तो ये दोनों मेल्ट होता जाएगा। मेल्ट हो जाए थोड़ा बहुत तो इन बिटवीन शक्कर डाल दीजिए। ये देखिए मैं डाल देती हूँ, आधी मैं डाल देती हूँ, और इसे विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे चलाते रहिए, मिक्स करते रहिए, क्योंकि एक रस एकदम कम्प्लीटली मिल जाना चाहिए ये एक दूसरे के अंदर। ये देखिए, अभी फिर इन बिटवीन जो बाकी का जो शक्कर है वो भी मैं डाल देती हूँ, पाउडर शुगर डाल देती हूँ, और बड़े अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक ये ग्लॉसी फिनिश ना आ जाए। इसके अंदर एक ग्लॉसी ये दिखेगा, शाइन आएगा आपको, तब तक इसे मिक्स करते जाइए बड़े अच्छे से। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, एक शाइन भी आ गई है इसके अंदर। तो अब आप चूल्हा बंद कर दीजिए इसका, और चूल्हे पर से निकाल कर साइड पर इसे थोड़ी देर ठंडा होने रख दीजिए। साइड बाय साइड आप एक डीप पतीली लीजिए, उसके अंदर 2 कप नमक डालिए, और उसके अंदर स्टैंड बीच में रखिए, और उसे ढक कर मीडियम आंच पर 10 से 12 मिनट तक उसे गरम होने रख दीजिए, क्योंकि हमें गरम गरम पतीली चाहिए जिसके अंदर हो, और डीप रहनी चाहिए। अच्छा, आप कुकर में भी बना सकते हो इसे, कुकर में इसी तरीके से प्रोसीजर कीजिए, और गैस किट मत लगाइएगा, बाकी सीटी भी मत लगाइएगा, बाकी प्रोसीजर सेम है। आप ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन को प्री हीट करने 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अच्छा, ये है 3 अलग अलग प्याली में निकाले हुए अंडे हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से निकाले हैं, क्योंकि अंदर कुछ ख़राबी ना हो और कुछ वो जो उसका बाहर का शेल वेल ना चला जाए, इसके लिए। चलिए अब मैं एक एक करके अंडा डालूंगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी। सबसे पहले ये देखिए, एक अंडा डाल रही हूँ मैं, और बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, ब्लेंड नहीं हो जाता। अब दूसरा डाला मैंने, और फिर से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह मैं तीसरा भी अंडा डाल देती हूँ अभी, और उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, ये भी तीसरा भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अंडे, तो अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस। आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, और मिक्स कीजिए। ये 28 ग्राम कोको पाउडर है, और ये 112 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लार मैदा है। इसे अच्छे से छान लीजिए, और छान कर डालिएगा, थोड़ा सा आधा डालिए छान कर, फिर मिक्स कर लीजिए, फिर बाकी का आधा छान कर डालिए, और पूरा कंप्लीट कर दीजिए। छान मैदा डाल दीजिए और कोको पाउडर डाल दीजिए, और बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए उसे। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है कि आटा वाटा सारा कुछ दिखे ना, और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए।
ज़रूरत पड़े तो चम्मच की मदद से इसे पूरी तरीके से छान लीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने हैंड ब्लेंडर, मशीन ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया इधर, तो आप भी चाहें तो ना करें, या आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, बट ज़रूरत वैसे तो पड़ी नहीं है मुझे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने। ये देखिए, अब देखिए कितना अच्छा ग्लॉसी फिनिश आ गया। तो अब मैं रख देती हूँ साइड पर। मैंने 3-4 टेबल स्पून अखरोट को मैंने थोड़ा सा हल्के हाथ से कूट लिया था। अगर आपको चाहिए डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, मैंने डाला है, बट आप मत डालिए, आपकी मर्ज़ी है, या डालिए तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने डाले हैं। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे, ये जो टिन, प्रिपेयर टिन है, इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने स्क्वायर में डाला है, आप राउंड टिन में भी डाल सकते हैं, जैसे आपके पतीली के शेप के हिसाब से, या आपकी पतीली में जगह हो उस हिसाब से। चलिए, अब ये जो स्पैटुला की मदद से जो सारा साइड पर लगा हुआ है उसे अच्छे से निकाल कर इसमें डाल दीजिए। अच्छे से उसे हिलाइए और डैब कीजिए इस तरीके से। अब इसका ढक्कन हटाकर इसमें ये जो हमने प्रिपेयर्ड बैटर किया है इसको डाल दीजिए इसके अंदर, और इसे ढक कर प्लेट लगा दीजिए, या फिर उंडी जो अगर कोई बर्तन हो आपके पास तो वो लगा दीजिए। वैसे आपको राउंड शेप वाला लेना है तो आप राउंड शेप भी ले सकते हो। मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने स्क्वायर लिया है। और कोशिश कीजिए जितनी उंडी, जितनी डीप कढ़ाई या पैन लोगे, कुकर भी बहुत अच्छा है उसके लिए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे अब आप तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद खोल के देखिएगा। और अगर अवन के अंदर डाल रहे हैं आप, तो अवन के अंदर 35 मिनट के लिए उसे रख दीजिए 180 डिग्री सेल्टीग्रेड पर। वैसे मैंने ढक्कन चेंज कर दिया क्योंकि वो ढक्कन लग रहा था ब्राउनी को। चलिए खोलकर देख लेते हैं, और टूथपिक टेस्ट कर लीजिए, अगर क्लीन आए तो इसका मतलब हो चुकी है आपकी ब्राउनी। ये देखिए मेरा देख लेते हैं, ये देखिए क्लीन आया तो इसका मतलब हो चुकी है। बट ये मेरा 60 मिनट्स पे हुआ है, ना कि 35 to 40 मिनट्स पे। 40 मिनट्स पे मैंने देखा था, चेक किया था तो नहीं हुआ, फिर से मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया बंद करके, फिर वापस देखा 50 मिनट्स पे, तभी भी नहीं हुआ, और अभी 60 मिनट्स के टाइम पे मैंने खोल के देखा है तो हुआ है। इसी तरीके से 10-10 15-15 मिनट आप आगे बढ़ाते जाइए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ढककर फिर से रख दीजिएगा। और ये नमक आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, यही चीज़ बेक, कोई भी चीज़ बेक करने के लिए, ठंडा हो जाए तो पैक करके रख दीजिए। और ये जो ब्राउनी है इसे 10 से 15 मिनट साइड पर रख दीजिए, जब ठंडी हो जाए तो इसे टर्न कीजिए, फ्लिप कर दीजिए। अगर फ्लिप ना हो रही हो तो जो छुरी है उसकी मदद से एजेस को निकालिए और फिर फ्लिप कर दीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, ये जो बटर पेपर है इसे निकालना ना भूलिएगा। और ये देख सकते हैं आप कितनी डिलिशियस लग रही है ब्राउनी। अब आप इसके पीसेस कर दीजिए, अब आपकी मर्ज़ी, आप साइड के एजेस काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, बट मैं नहीं काट रही हूँ। आप इसके मोटे मोटे पीस कीजिए और आपकी मर्ज़ी जैसे डेकोरेट करना है कीजिए। अच्छा, आपको सिजलिंग ब्राउनी भी चाहिए तो आप क्या कीजिए, गर्मा गर्म ये जो प्लेट आती है सिजलर की प्लेट, उसके ऊपर ब्राउनी रखिए, 2-3 स्कूप आइसक्रीम के डालिए, और थोड़ी सी जो सॉस है चॉकलेट उसके ऊपर ड्रिजल कीजिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालिए, तो मस्त गर्मा गर्म सिजलिंग ब्राउनी भी आपके पास रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये मैं, मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी तो मैं इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ, उसे मैंने पिघला लिया और इस तरीके से डाल दिया, और मैं थोड़े से ये भी डाल रही हूँ अखरोट के पीसेस, और इसे इंजॉय कर रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेक श्योर आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, एंजॉय सीजलिंग ब्राउनी।